Hello friends, welcome to Surbhi Online Education and I am Surbhi Agrawal and today's topic is surface area and volume of class 10. Friends, आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, हमने आपके आर एस अग्रवाल से दिया है और जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कॉन्सेप्ट हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था. फॉर अवर प्रीवियस वीडियोस प्लीज गो टू डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक ऑन राइट एज लिंक. यू कैन फाइंड आवर प्लेलिस्ट एट द एंड ऑफ अवर वीडियोस. फॉर अवर अपकमिंग वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड अवर चैनल इज सुरभि ऑनलाइन एजुकेशन. फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन. अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 12 ट्राइज. फ्रेंड्स, जब हम किसी सॉलिड को मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं किसी न्यू शेप में, तो हमारा जो ओरिजिनल सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम और जो न्यू सॉलिड क्रिएट होता है आफ्टर रिकास्टिंग उनका वॉल्यूम इक्वल होता है. तो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं, सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड. हमने एक सिलेंडर को मेल्ट किया एंड रिकास्ट इनटू 12 ट्राइज और उन्हें रिकास्ट कर दिया 12 ट्राइज की शेप में इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर. जो हमारा ट्राय है वो किस शेप का है, कोन है और वो एक माउंट हो रहा है एक हेमीस्फीयर पे. फाइंड द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, हमें इस हेमीस्फीयर की रेडियस फाइंड करनी है. लेट कर देते हैं, ये स्मॉल आर है एंड टोटल हाइट ऑफ द ट्राय और हमें टोटल हाइट भी फाइंड करनी है ट्राय की. इफ द हाइट ऑफ कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस, इन्होंने कहा यदि हमारी ये जो हाइट है कोन की ये हेमीस्फीयर की रेडियस के 3 टाइम्स है, तो हमें इस हेमीस्फीयर की रेडियस और इस ट्राय की टोटल हाइट को फाइंड करना है. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच. पाई को हम पाई ही रख रहे हैं फ्रेंड्स. आर हुआ हमारा 12/2 मीन 6 इंटू 6 और हाइट है 15, तो ये आ गया फ्रेंड 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ 12 ट्वाइज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. क्योंकि फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी सॉलिड को मेल्ट करके न्यू शेप में रिकास्ट करेंगे तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल रहेंगे. यहाँ पे हमने 12 ट्राइज में रिकास्ट किया है, इससे हमारे वॉल्यूम ऑफ 12 ट्राइज इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. मीन्स ये आ जाता है आपका 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ 1 ट्राई हो जाएगा 540 पाई अपॉन 12. ये आ गया फ्रेंड्स आपका 45 पाई सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ 1 ट्राई किसके इक्वल होगा इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है फ्रेंड्स, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पर फ्रेंड्स ये किसके इक्वल है, 45 पाई के. हमने यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ गया 2R प्लस एच 1/3 पाई आर, हमने आर ही रेड किया है रेडियस तो ये आर स्क्वायर 2R और हाइट उसकी 3 टाइम्स है इसे 3R हो जाती है इक्वल्स टू 45 पाई. तो आ जाता है फ्रेंड्स 45 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 to 5 आर क्यूब. मीन्स आर क्यूब इक्वल्स टू 45 इंटू 3 अपॉन 5 मीन्स 27 मीन्स आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. तो फ्रेंड्स ये आ गया रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ ट्राय इक्वल्स टू हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर. तो ये फ्रेंड्स हो जाती है आपकी हाइट ऑफ कोन है 3R प्लस R मीन्स 4R. 4R इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12
सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, हमने इस क्वेश्चन में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज किया, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के कॉन्सेप्ट को, या कॉन्सेप्ट हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। फॉर आवर प्रीवियस वीडियोस, प्लीज गो टू डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक ऑन राइटर्स इन, यू कैन फाइंड योर प्लेलिस्ट एट द एंड ऑफ अवर वीडियोस। फ्रेंड्स, फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड अवर चैनल इज सुरभि ऑनलाइन एजुकेशन। फ्रेंड्स, यू कैन फॉलो अस ऑन अवर फेसबुक पेज, एंड अवर फेसबुक पेज इज सुरभि ऑनलाइन एजुकेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।